बड़ी खबर का रुख करेंगे अयोध्या से, जहां पर कोरोना वायरस ने टाला अनुष्ठान। तो राम जन्मभूमि परिसर में होने वाला अनुष्ठान कोरोना के चलते टाल दिया गया है। 20 मार्च से होने वाला धार्मिक अनुष्ठान टल गया है। कोरोना वायरस को लेकर टाला गया आयोजन। रामलला को अस्थायी भवन में शिफ्टिंग को लेकर अनुष्ठान था। भक्त जो थे, श्रद्धालु जो थे, वो काफी उत्साहित थे, लेकिन अभी उनको और इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरह से कोरोना कोहरा मचा रहा है, लगातार वायरस से संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है, उसी के चलते अब इस अनुष्ठान को रोक दिया गया है। अब 22 मार्च से शुरू होगा राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान। काशी से बुलाए गए विद्वानों को भी रोका गया है। तो काशी के 22 विद्वान बुलाए गए थे अयोध्या, जिनको रोक दिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश, कोरोना वायरस के चलते टाला गया अनुष्ठान। जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से देश में कोरोना वायरस का कहर है, तो वहीं राम मंदिर को लेकर भी कई आयोजन जो होने थे उसमें भी कई फेरबदल किए गए हैं। 20 तारीख से धार्मिक अनुष्ठान किए जाने थे, जिसमें काशी के 22 विद्वान को शामिल होना था, लेकिन इसको टाल दिया गया है। अब वो 22 तारीख से धार्मिक अनुष्ठान शुरू किया जाएगा, लेकिन उसमें काशी के नहीं अयोध्या के ही विद्वान शामिल होंगे। वहाँ के लोगों को रोक दिया गया है और जो यह पूरा कार्यक्रम बदला है, कहीं ना कहीं कोरोना के कहर के कारण है। इस प्रकार से यह पूरा आयोजन सीमित कर दिया गया है। एक कुछ ही दायरे में इस तरह का पूरा आयोजन होगा। लगभग 15 विद्वान इस आयोजन में शामिल होंगे, जो रामलला को शिफ्टिंग के दौरान, मतलब 22 तारीख से और 25 तारीख से लगातार जो अनुष्ठान चलेंगे उसमें 15 विद्वान ही शामिल होंगे, और इसके साथ ही ट्रस्ट के ही लोग होंगे। और लोगों को अंदर जाने से साफ रोका जा रहा है कि ज्यादा अधिक भीड़ ना हो, इसके चलते बिल्कुल सुरक्षाएं बरती जा रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य प्रकाश, कहीं ना कहीं कोरोना जिस तरह से इंसानों पर अपना कहर बरपा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं धार्मिक और आस्था पर भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। उसी के तहत रामलला को जो शिफ्टिंग किया जा रहा था, अब ये कार्यक्रम जो है वो थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। श्रद्धालु की बात करें तो वो काफी उत्साहित थे, तो लेकिन अब जिस तरह से इस अनुष्ठान को टाल दिया गया है, उनको और इंतजार अभी करना होगा। जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से ये कोरोना का कहर है, इसको लेकर अब रामलला और भक्तों के बीच एक बहुत बड़ा विवाद ये खड़ा हो गया है कि कोरोना का जो कहर जो चल रहा है, अब रामलला को दर्शन के लिए जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में आने की फिराक में थे, उन लोगों को भी रोके जाने की संभावनाएं बताए सामने आ सकती हैं। लेकिन बिल्कुल, और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट पे है कोरोना वायरस को लेकर। शुक्रिया सत्य प्रकाश जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।